डाइजेशन के बाद, यानी कि फूड का अपनी स्मॉलर यूनिट्स में टूट जाने के बाद, यानी कार्बन स्टार्च का मोनोसैकराइड में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में, फैट का फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल में, न्यूक्लिक एसिड का पेंटोज शुगर नाइट्रेट बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड में टूट जाने के बाद, अब इस फूड को इलजियोजुनम और इलियम की जो माइक्रोविलाई और विलाई जो हैं वो उनके उनसे होते हुए ये ब्लड में पहुंच जाता है। ब्लड में एक प्रोसेस के ज़रिए पहुंचाया जाता है। इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहते हैं। ये प्रोसेस पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है और फैसिलिटेटेड भी हो सकती है। तीनों तरह से इस फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड सम इलेक्ट्रोलाइट लाइक क्लोराइड्स, ये पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये सब्सटेंस अलॉन्ग द कंसनट्रेशन ग्रेजियंट एब्जॉर्ब होते हैं, यानी फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होती, कोई भी एटीपी का कंजम्पशन नहीं होता है। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है वो और एमिनो एसिड जो है इस प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब बाई फैसिलिटेटेड प्रोसेस। फैसिलिटेटेड प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर कुछ कैरियर प्रेजेंट होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं। उन कैरियर प्रोटीन के थ्रू जो है वो ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन होता है। कैरियर प्रोटीन इसमें ग्लूट 1, ग्लूट 1, 2 इस तरह के रिसेप्टर्स होते हैं जो ग्लूकोज को रिसीव करके यानी कैरी करके सेल में पहुँचाते हैं। इसमें भी किसी भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता, यहाँ भी कोई एनर्जी नहीं खर्च होती है, सिर्फ कैरियर का इस्तेमाल होता है और कैरियर के थ्रू जो है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर होता है और सेल से ब्लड में होता है। सम ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम आर एब्जॉर्ब एक्टिवली। इसका मतलब ये कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन वो एब्जॉर्प्शन होता है जिसमें एनर्जी खर्च होती है, यानी एटीपी का कंजम्पशन होता है, एटीपी खर्च होती है और ग्लूकोज को और इलेक्ट्रोलाइट्स या सोडियम को कंसनट्रेशन ग्रेजियंट के अपोजिट जो है एब्जॉर्ब किया जाता है और इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च होती है। ये ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है सेकेंडरी एब्जॉर्प्शन होता है क्योंकि इसमें सोडियम का एक्टिवली एब्जॉर्प्शन होता है और उस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो इसके अलॉन्ग जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो इस तरह के एब्जॉर्प्शन को हम सेकेंडरी एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज कहते हैं जिसमें सोडियम पोटेशियम पंप वर्क करता है। सोडियम पोटेशियम वर्क पंप में डायरेक्टली सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है और इस एब्जॉर्प्शन के अलॉन्ग ग्लूकोज का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो इस तरह से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन तीनों प्रोसेस से होता है, यानी एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड ऑस्मोटिकली थ्रू एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले वाटर चैनल्स होते हैं जिनसे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन कंसनट्रेशन के ग्रेजन के अलाउंग होता है, यानी कि जहाँ पर वाटर अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करता है, यानी कि जहाँ पर सोलूशन हाइपोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक सोलूशन से वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो वाटर का जो मूवमेंट है एब्जॉर्प्शन है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होता है। इस तरह से ये वाटर का जो एब्जॉर्प्शन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू होता है और वो एब्जॉर्प्शन एक्वापोरिन से होता है। एक्वापोरिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले वाटर चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। फैट का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली ब्लड में नहीं हो सकता है, तो फैट का एब्जॉर्प्शन एक अलग प्रोसेस के थ्रू लैक्टील्स में होता है। लैक्टील जो है वो लिम्फ वेसल्स होती हैं जो कि विलाई में प्रेजेंट होती हैं और ये लैक्टील्स जो हैं फिर फाइनली ब्लड में जाकर खुलती हैं जिससे फैट इनडायरेक्टली ब्लड में पहुंच जाता है। तो इस तरह फैट का एब्जॉर्प्शन जो है वो लैक्टील्स के थ्रू होता है, ब्लड में डायरेक्ट नहीं पहुँचता है। डाइजेस्टेड फैट जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है, ये माइक्रोविलाई के सेल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है।
माइक्रोविलाई के सेल्स में ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये कंबाइन होकर के ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं, और ये इन ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ जो है एक फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की लेयर बन जाती है। इस प्रोसेस को हम काइलोमाइक्रॉन, इस स्ट्रक्चर को हम काइलोमाइक्रॉन कहते हैं, और यही काइलोमाइक्रॉन जो है वो यही काइलोमाइक्रॉन जो है वो यानी कि विलाई की सेल्स से ये लैक्टिल में चली जाती है, और फिर ये लैक्टिल जो है से ये काइलोमाइक्रॉन इनडायरेक्टली जो है वो ब्लड में पहुंच जाते हैं। इस तरह फैट का एब्जॉर्प्शन, इस तरह फूड का एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। हमें पढ़ना है कंट्रोल ऑफ डाइजेशन, हमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। रेगुलेशन दो तरह का होता है, एक न्यूरोनल कंट्रोल और दूसरा हार्मोनल कंट्रोल। तो इस तरह के खाने हम देख रहे हैं। अब ये खाने जब हम देखते हैं या ये खाने हम खाते हैं या इन खाने के बारे में हम सोचते हैं या ऐसे खानों के बारे में का हमारे हमारे हम स्मेल करते हैं, तो हमारा पैरासिम्पेथेटिक जो नर्वस सिस्टम है ये स्टिमुलेट होता है, और पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम को एक रिस्पांस मिलता है, और इस रिस्पांस की वजह से हमारा जो है हमारे सलाइवरी ग्रैंड जो है वो जो स्टिमुलेट होती है वो सिक्रेशन स्टार्ट कर देती है, और इसी के साथ साथ हमारा जो गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन भी शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा स्टिमुलेशन होता है। हाइपोथैलेमस के लेटरली यानी लेटरल साइड ऑफ हाइपोथैलेमस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हंगर सेंटर कहते हैं, यानी हंगर सेंटर का फॉर्मेशन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पर। वेंट्रोमीडियल पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस पर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जो सटाइटी सेंटर का फॉर्मेशन करते हैं। स्टमक के खाली होने पर यहाँ के रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, और ये हंगर सेंटर को मैसेज पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू भेजते हैं। हंगर सेंटर ब्लड में लो शुगर होने पर भी जो है स्टिमुलेट होता है, लो शुगर होने पर इंसुलिन का सिक्रेशन होता है और हंगर सेंटर स्टिमुलेट होता है, और हंगर सेंटर खाना खाने की ईज़ को यानी इच्छा को बढ़ा देते हैं, इसको हम अपेटाइट कहते हैं। स्टमक के फुल होने पर स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, और ये सेटाइटी सेंटर को सिग्नल भेजते हैं। सेटाइटी सेंटर खाना लेने की इच्छा को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, और एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं। इस तरह के न्यूरल कंट्रोल को शॉर्ट रिफ्लेक्सेस कहा जाता है, यानी स्टमक के खाली होने पर हंगर सेंटर का और फुल होने पर सटाइटी सेंटर का स्टिमुलेट होना शॉर्ट रिफ्लेक्सेस कहलाता है। हाई बॉडी फैट एडिपोज टिश्यू से लेप्टिन के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं। लेप्टिन हंगर सेंटर को इनहिबिट करता है और एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ाता है। इस तरह के न्यूरोनल कंट्रोल को लॉन्ग रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। अब बात करते हैं हार्मोनल कंट्रोल की। गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल्स ऑफ स्टमक से सिक्रीट होता है, और ये पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करता है जो HCL का सिक्रीशन करती हैं। डुओडिनम से सेक्रेटिन का सिक्रीशन होता है। सेक्रेटिन पेंक्रियाज को बाइकार्बोनेट रिच जूस को रिलीज करने में स्टिमुलेट करता है, और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। इसी वजह से इसे फायरमैन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, क्योंकि ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन पैंक्रियाज से करवाता है। कोलीसिस्टोकाइनिन जो कि डिओडिनम से रिलीज होता है, ये गाल ब्लेडर को, पैंक्रियाज को और स्मॉल इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है, ताकि बाइल का, पैंक्रियाटिक जूस का और सकस इंटेरिकस का सिक्रेशन हो सके। मोटिलिटिन ये एम सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है, और ये गट की मोटिलिटी को बढ़ाता है जिससे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। फूड में फैट ज़्यादा होने पर
गट इनहिबिटरी पेप्टाइड का सेक्रेशन होता है जो गट मोटिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि फैट के डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट हुई। अब हमें नेक्स्ट जो है सिस्टम के बारे में पढ़ना है। थैंक यू।